जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मुकुंद कुमार। तो जल्दी से सभी लोग बेटों को लाइक कर दें, बेटों को लाइक कर दें। देखिए, ये आईएससी क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट की मैथ्स का सिलेबस है। तो इस बार आपका पेपर का पैटर्न 2023 के लिए चेंज हो गया। जो स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ में इंटर कर रहे हैं और मैथ्स की प्रिपरेशन कर ले रहे हैं, तो उनका सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का पैटर्न क्या है, कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा सिलेबस को, ठीक है, तो आपको कितने नंबर का आपका पेपर आएगा। पहले आपको बता दें, जो प्रीवियस ईयर में आपने देखा था कि सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू वाइज कंडक्ट का, इस बार कोई सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका पेपर कितना होगा, पेपर यहाँ पे साफ साफ मेंशन 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 आवर आपको समय दिया जाए, 3 घंटे समय होगा आपका, 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल होगा। जो इसको प्रैक्टिकल इंटरनल होता है वो 20 मार्क्स का आपका होगा, 20 मार्क्स का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि दो वाइज में आपको प्रॉब्लम्स होती थी, तो सिंगल स्टेज बेटर एग्ज़ाम, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम बेटर है। लास्ट और एग्ज़ाम आपका मैं बता दूँ, फरवरी या मार्च के मार्च मंथ में होगा, फरवरी या मार्च मंथ में 100% मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो जाना तय है। तो अब आप अपने पैटर्न को समझ लीजिए, अगर 80 मार्क्स का पेपर आएगा तो कितने सेक्शन होंगे, किस टाइप के सेक्शन। देखिए यहाँ पे आपने उस देखो आईस देखो आपके बोर्ड ने सीएससी ने सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। आईएससी का जो ये सिलेबस है, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट का मैथ्स की, तो देखिए यहाँ कहा गया आपसे 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। सेक्शन ए 65 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 15 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी भी 15, ये आर लगाओ। सेक्शन ए आपका कंपलसरी होगा, सेक्शन ए आपका कंपलसरी होगा, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। मगर सेक्शन बी या चूज करो या सेक्शन सी, इनमें आपके पास ऑप्शन रहेगा। सेक्शन बी आप चूज करना चाहे तो सेक्शन बी चूज कर ले, सेक्शन सी चूज करना चाहे तो सेक्शन एक ही सेक्शन आप चूज करें, कोई दो बी या सी में से कोई दोनों नहीं चूज कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। अब आपके बाद देखिए, सेक्शन ए मैंने कहा कंपलसरी है, तो सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए 65 मार्क्स का है, आपको बता दें इसमें पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, ये कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके पेपर में। दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा, अलजेब्रा ये कितने मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, तो 10 मार्क्स का अलजेब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको वेटेज भी बताएगा किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा। सेक्शन ए में अगर रिलेशन फंक्शन पूछा जाएगा तो कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन बी में अलजेब्रा जो पूछी जाएगी वो कितने मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की होगी। सेक्शन सी में कैलकुलस है, सेक्शन बोल गए मिस्टेक हो गई 1-2, ठीक है। अगर इतने रिलेशन एंड फंक्शन से कितने मार्क्स का सेक्शन ए में आएगा, 10 मार्क्स का, अलजेब्रा से कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, कैलकुलस से सेक्शन ए में कितने मार्क्स का आएगा, 32 मार्क्स का आएगा, और प्रोबेबिलिटी से सेक्शन ए में कितने मार्क्स का आएगा, 13 मार्क्स का आएगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज हमें कैलकुलस का देगा, सेक्शन में 32 मार्क्स के कैलकुलस है और सेक्शन सी में भी कैलकुलस जो है आपके कितने मार्क्स की आ रही है। अब देखिए सेक्शन बी और सी, सेक्शन बी और सी क्या है स्टूडेंट आपके लिए ऑप्शन है। तो ऑप्शन में अगर आप सेक्शन बी उठा रहे हैं तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वेक्टर पूछा जाएगा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पूछे जाए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पूछा जाएगा। तो ये 3 चैप्टर पूछा जाएगा, मार्क्स का वेटेज भी बताएगा, 5 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स। अगर आप सेक्शन सी उठा रहे हैं तो इसमें क्या डिफरेंस सेक्शन बी और सेक्शन, यहाँ पे टॉपिक में डिफरेंस है, यहाँ पे वेक्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से पूछा जाएगा। सी में जबकि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से पूछा जाएगा, लीनियर रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा जाएगा। तो अगर आप सेक्शन सी नहीं, अगर दो चैप्टर छोड़ रहे हैं मैथ्स के, एक लीनियर रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग, तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दो चैप्टर को आप ना पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेक्शन सी में ओनली पूछे जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन सेक्शन बी का है, क्योंकि सेक्शन ए में भी जो है प्रोबेबिलिटी वो क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लीनियर रिग्रेशन से कोई क्वेश्चन। तो दो टॉपिक आप अगर चाहें तो, मान लीजिए उसने हिंट आपको दे दी है कि दो टॉपिक आपके हटा दिए गए, बाकी आप चाहें तो उनको पढ़ेंगे तो सेक्शन सी में ही पूछे जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन यही है, चुनाव कि इन चैप्टर्स को पढ़िए, कौन से चैप्टर्स, आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िए, अलजेब्रा पढ़िए, कैलकुलस पढ़िए, प्रोबेबिलिटी पढ़िए, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपको सेक्शन करने से ये चैप्टर आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अब जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस में क्या, सिलेबस में है क्या डिलीटेड है, डिलीटेड पोर्शन आपको लास्ट में मेंशन कर दिया गया है। तो आप देखिए अपनी बुक अपना देख, रिलेशन फंक्शन से देख सकते हैं। तो रिलेशन फंक्शन में टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया है, रिलेशन एज ये सिर्फ आइडेंटिटीज भी पूछी गई। फंक्शन में क्या पूछा गया,
फंक्शन में आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल रिलेशन कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ वन वन मेनी वन टू इन टू, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन्स, रेंज फंक्शन, कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये सब चीज़ें आपके फंक्शन में पूछी जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर आप आईआईटी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी स्टूडेंट आईआईटी जेडब्ल्यू की, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने चैनल पे आईआईटी जेडब्ल्यू भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो लेवल की आप क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ कैसे आप 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे अपने चैनल पे प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो अगर आप जो जेडब्ल्यू का सपना देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन में क्या पूछा जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में डेफिनेशन पूछी जाएंगी आपकी, डोमेन पूछा जाएगा, रेंज पूछा जाएगा, प्रिंसिपल पूछा वैल्यू ऑफ, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल वैल्यूज में क्या होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक, ग्राफ्स, साइन इनवर्स का, ये चीज़ें आपकी आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रीज इनवर्स फंक्शन में। इसके बाद आप देखिए और क्या पूछा जाएगा, ये आइडेंटिटीज हैं जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज इनवर्स फंक्शन की, इन पे बेस्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये टैन इनवर्स, इन पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सिलेबस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन का। इसके बाद अलजेब्रा का सिलेबस क्या है, अलजेब्रा में क्या चीज़ आती है, तो आपको अलजेब्रा में मैट्रिसेस आ जाती है, मैट्रिसेस का सिलेबस ये है, यहाँ से ये अलजेब्रा है, इसका मैट्रिक्स का सिलेबस है मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी टाइप्स, मैट्रिक्स जीरो टू, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ऑपरेशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना सिलेबस को देख सकते हैं। बाकी डिटरमिनेंट से क्या कहा है, डिटरमिनेंट से ये सिलेबस है, ये डिटरमिनेंट का सिलेबस है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट का सिलेबस देखिए, ये डिटरमिनेंट का सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट है, ये सब सिलेबस उसका मेंशन किया गया है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है, ठीक है, सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मैट्रिक्स में आप चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप चले जाइए, ये सब डिटरमिनेंट, ऑर्डर, को फैक्टर, ये सब आपका डिटरमिनेंट का इसका सिलेबस है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ चुका है, वहाँ पे सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कैलकुलस, मेन चीज़ है कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, कैलकुलस का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वेटेज है। तो कैलकुलस आप सेक्शन में 32 मार्क्स की है, सेक्शन बी में भी 4-5 मार्क्स की है। तो आप देखें कैलकुलस मान के चलिए अगर देखा जाए तो आपकी लगभग 50% अबाउट 45% तो कन्फर्म है कि आपके कैलकुलस ही पूछी जाएगी सिलेबस में। तो कैलकुलस में है क्या चीज़, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सब चीज़, डिफरेंटिबिलिटी, डेरिवेटिव और लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। कंटिन्यूटी किस टाइप की पूछी जाएंगी, तो इसका आप सिलेबस है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल, डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का आप टिक कर सकते हैं, किस टाइप के पूछे जाने हैं आपको, क्या कर देंगे हम एक दिन क्या सिलेबस में, मतलब आपको बना देंगे क्वेश्चन वाइज कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब चैप्टर वाइज आपको करवा देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स इसमें डिलीटेड क्या चीज़ है, डिलीटेड अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन चालू हो गया, इंटीग्रेशन का ये सिलेबस है, अब हम आपको डिलीटेड ही चीज़ बता देते हैं इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे से चीज़ है कि कैलकुलस का इतना चीज़, कैलकुलस फुली सिलेबस है ये मान के चलिए, पूरा फुली सिलेबस यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कहा है, नोट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इंक्लूडेड, जो देखो आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें होता है तीन मेथड आप पढ़ेंगे, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, होमोजेनियस मेथड, और क्या आता है पीआई, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कह रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो आ रहा, मगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे d2y/dx2 लिख दिया, ये सेकंड ऑर्डर हो गई, या d" तो इसका सेकंड ऑर्डर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप रिमूव कर देना, बस इससे यही रिमूव है। उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी में अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल सेपरेबल, इसमें कोई भी कुछ ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि कुछ डिलीटेड है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा अगर बात करूँ स्टूडेंट या यहाँ से यहाँ तक ये सब प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि डिलीटेड चीज़ क्या कहते हैं नीचे मेंशन कर दिया, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। वेक्टर में
वेक्टर में ये चीज़ है, वेक्टर का सिलेबस है आपका, यहाँ पे वेक्टर देख रहे होंगे, वेक्टर का सिलेबस को आप यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इस सिलेबस को स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने बुक में अकॉर्डिंग क्या करना है मेंशन करना है। तो ये चीज़ है, आप अगर कहेंगे तो चैप्टर वाइज मेंशन करवा देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप्स क्या चीज डिलीटेड है, प्रूफ ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम बाय द यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा आर एक्सक्लूडेड, ये हटा दी गए। वेक्टर से खाली इतना चीज हटाया गया, प्रूफ ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब हटा दिया गया आपके सिलेबस से। फिर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का सिलेबस ये देखिए स्टूडेंट है, यहाँ पे सिलेबस आप देख रहे होंगे, ये सिलेबस है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो इसमें सिलेबस में आप ये सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देखें डिलीटेड क्या चीज़ के लाइंस, ये चीज़ें हैं डिलीटेड देखते हैं तो कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है, इसमें कुछ भी डिलीटेड की चीज़ मेंशन नहीं है, ये प्लेन स्वेंस है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें भी कुछ नहीं मेंशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्या है सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है, सेक्शन सी में जो आएगा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको कर लेना है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन, इसका सिलेबस क्या है, आप यहाँ पे ये सिलेबस मेंशन किया गया है इसका, इस सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस ये है स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग में चीज़ है क्या क्या आपसे हटा दी गई है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन इज एक्सक्लूडेड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपका हटा दिया गया है, ओनली ओनली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ द सजेस्टेड असाइनमेंट पर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स, सॉरी जो हैगा 20 मार्क्स का, तो इसमें बताया गया, तो ये सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, आप वहाँ पे देख सकते हैं। पहली चीज़ है पेपर का पैटर्न क्या है, आपको सिलेबस को पढ़ना, जो चीज़ डिलीटेड है वहाँ पे टॉपिक में नीचे मेंशन कर दी गई, ये चीज़ आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो इस बात को ध्यान रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, IIT JEE की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।